रूस में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली मैहर की बेटी सृष्टि शर्मा का शव आज 10 दिन बाद विशेष विमान से सतना उतारने के बाद सड़क मार्ग से मैहर पहुंचा दिया गया। सृष्टि के अंतिम दर्शन के लिए घर में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। इकलौती बेटी का शव देखकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मैहर की सृष्टि रूस में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। इस वर्ष उसका अंतिम साल था। पिछले शुक्रवार को छुट्टी के दिन सृष्टि मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी। इस दौरान कार पलट गई और हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए रूस पढ़ने भेजा था। इस वर्ष आखिरी साल था। पिता को आस थी कि बेटी इस वर्ष डॉक्टर बनकर आएगी और पिता का क्लिनिक संभालेगी, मगर उनकी आस निराशा में बदल गई। बेटी का शव देखकर पूरे मैहर में मातम का माहौल है। स्थानीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से आज बेटी का पार्थिव शरीर घर आ गया है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन और सरकार का आभार व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। देखिए, जैसे ही डेथ हुई थी वैसे ही जिला प्रशासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने बताया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली बात करके और सीधे वहाँ से एम्बेसी के माध्यम से खबर कराई गई थी कि जल्द से जल्द डेड बॉडी आए। और डेड बॉडी में मास्को से कल चली थी, आज सुबह पहुंची है। मैं भैया कृष्ण मैडम से बात किया, हम MBC में वहाँ पे मनोज पांडे जी थे, उनसे संपर्क किए और फिर कंटिन्यू मैं पर डे दिन में 3-4 बार बात करता था। उसमें से हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी मदद की, तो वहाँ से रशिया से वो लोग दिल्ली तक की व्यवस्था की और दिल्ली से सतना तक हमारे मध्य प्रदेश की सरकार मोहन सरकार ने उनको यहाँ से भिजवाने की व्यवस्था की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।